हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को एसईओ के बारे में। एसईओ को वीडियो का मैंने फर्स्ट फिर बनाया, जो नहीं देखना देखना, उसमें देखने का कुछ नहीं है। उसमें मैं रैंकिंग बताया, आर्टिकल्स रैंकिंग मेरा कितना कितना। एक ऐसे नॉर्मल वेबसाइट बनाया था, वो रैंक कर गया बहुत सारे उसमें आर्टिकल्स। तो आज मैं बताने वाला हूँ ये आर्टिकल्स ऑन पेज एसईओ में आर्टिकल्स कैसे लिखा जाए, तो भी ब्लॉगर में, ज़्यादा खास करके ब्लॉगर की, वर्डप्रेस यूजर बहुत ईजी होता है उसको करना, तो ब्लॉगर के लिए मैं बना रहा हूँ खास करके वीडियो। तो आज मैं उसी टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक बताऊंगा टाइटल्स, टाइटल को एक्चुअली कैसे लिखा जाता है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। और ये बताने से पहले आप लोग जरूर देखना इस वीडियो, दो चार सौ पार्ट होता है आप लोग, और एक नया कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। तो ये चीज़ बताने से पहले हमेशा बोलता हूँ, मेरे चैनल में जो नया है सब्सक्राइब करना प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए शुरू करते हैं टाइटल को कैसे लिखा जाता है। Please subscribe my channel and press the bell icon for more video. हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बताने वाला हूँ सिर्फ टाइटल के बारे में। ठीक, क्यों टाइटल के बारे में हम सोच रहे हो, सिर्फ टाइटल लिख दिया और एसईओ हो गया उसका, कैसे मतलब हो गया तो कैसे पता चलेगा, मतलब आप टाइटल को सही से लिखना सीखो। टाइटल हेडिंग एक ऐसा चीज़ है तो आपको कस्टमर अट्रैक्शन, जो व्यूअर्स अट्रैक्शन होता है, वो पहले लाइन में समझ जाएगा जो बंदे में अंदर ने क्या लिखा है, और उसके अंदर एक अट्रैक्शन चीज़ होगा जिसमें से वो पता चलता है इस आर्टिकल को मेरे को पढ़ना चाहिए। ठीक, अभी उसमें तीन चार चीज़ होता है, वो सारे चीज़ मैं ऐसे नहीं समझ पाऊँगा। मैं इस कीवर्ड, जैसे मैंने एक आर्टिकल्स लिख रहा हूँ अभी, हाउ टू लॉस वेट नेचुरली, तो मैंने ये सारा लिख दिया अभी, लिखने के बाद मैंने लिखा नहीं, किसी से उठाया है। तो जो भी है, हाउ टू लॉस वेट क्विकली, अभी इसको मैं गूगल में सर्च करता हूँ। गूगल में जैसे मैंने इसको सर्च किया, तो गूगल में सर्च करने के बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शन आया। एक चीज़ देखना, हाउ टू लॉस वेट फर्स्ट थ्री सिंपल स्टेप आया है, इसमें 30 इजी वेज टू 30, 40, 19, 20 से बहुत कुछ आया है। और इसमें एक चीज़ आप देखना होगा, कुछ ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो जिस बंदे को उस कीवर्ड पर भरोसा, मतलब उस हेडिंग के ऊपर वो हो जाए जो उसमें अंदर घुसने के लिए तैयार हो जाए साइट के अंदर। तो मैंने अभी क्या चीज़ है, एक है पावर कीवर्ड, और डिजिट और मेन कीवर्ड, तीन चीज़ होना चाहिए अंदर। क्या क्या चीज़ मैं बताया, पावर कीवर्ड, एक डिजिट डाल रहना पड़ेगा, और एक क्या है, और एक कीवर्ड। तो कीवर्ड के बारे में तो पिछले सुना होगा, बहुत बंदे ने बताया होगा, लेकिन एक चीज़ है, आप इसमें एक पावर कीवर्ड डालोगे। पावर कीवर्ड कैसे बोलते हैं, बेस्ट, टॉप, विदाउट, मतलब ऐसे कुछ कीवर्ड है जो आपका पूरा सेंटेंस जो है, सेंटेंस का वैल्यू को फर्स्ट बढ़ा देता है, ऐसे पावर कीवर्ड उसमें डालना पड़ेगा। अच्छा, एक पावर कीवर्ड हो गया, और कीवर्ड मैंने मान के चलो, मैंने इस जो लाइन है इसमें मेन फोकस कीवर्ड, जो कीवर्ड मेन कीवर्ड मैंने अगर आरएप से सर्च किया, किसी से सर्च किया है, तो मेन फोकस कीवर्ड है क्या, वेट लॉस, लॉस वेट, ये मेरा कीवर्ड है। अब मैंने आगे पीछे इसका जोड़ दिया, और इसमें मैं एक पावर कीवर्ड जोड़ता हूँ, और एक डिजिट भी जोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखना बहुत, डिजिट, पावर कीवर्ड और मेन कीवर्ड, और एक है आप आर्टिकल में नेगेटिव पॉजिटिव एक इमोशंस बंदे को आना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव एक थिंकिंग आना चाहिए। नेगेटिव कीवर्ड या तो पॉजिटिव कीवर्ड, वो कैसा होता है मैं बता देता हूँ। पहले इसको लिखता हूँ, बेस्ट 10 टिप्स। अच्छा, मैंने टाइटल में जोड़ा, मैं एग्जाम्पल ले लिया, आप लोग देख लेना। अभी मैं ए लेटर दिया, अभी बेस्ट डाल दिया, हमारा पावर कीवर्ड हो गया, और एक डिजिट डालना था वो भी 10 डाल दिया, हो गया एसईओ। अभी मेन कीवर्ड क्या था, लॉस वेट, ये भी डाल दिया मैंने, ओनली टाइटल में डाल दिया। अच्छा, अभी टाइटल में जैसे डाल दिया, बेस्ट हो गया, अभी मैं इसको और एक बार खोलता हूँ, इसी कीवर्ड को मैं देखो, इसमें 30 इजी वे टू लॉस वेट नेचुरली बैक्ड बाय साइंस, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव बात होता है, एक नेगेटिव भी बात होता है, एक पॉजिटिव भी बात है, वो भी डालना पड़ेगा आपको इसमें, हाउ टू लॉस वेट सेफली, पॉजिटिवली बात है। उसके बाद विदाउट डाइटिंग, एक नेगेटिव बात है बट पॉजिटिव भी बात है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वीडियो मैं छोटा छोटा बनाऊंगा जिसमें समझ में आ जाए। अब इसमें कॉपी में लिख लेना, और आपके सामने अगर कोई दीवार है और नोटिस बोर्ड इसमें टांग रखना, तो उसमें से आपको फर्स्ट जैसे आप आर्टिकल्स लिखोगे ये सारी चीज़ ध्यान रखना, अगर हट गया तो आपका कभी भी कितने भी अच्छा एसईओ कर लो, रैंकिंग नहीं होगा।
तो एक तो ये आर्टिकल्स में एक एक टाइटल के बारे में बताया, कल से कल एक दो तीन चार पार्ट में मैंने इसको पूरा बताऊंगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो आज के लिए सिर्फ टाइटल बताया, आज के लिए इतना है, धन्यवाद। अगर कोई कमेंट हो टाइटल को कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें दोस्तों, देखते रहना इस वीडियो चार पाँच पार्ट, फिर आप पूरा अगर ब्लॉगर हो तो पूरा सीख जाओगे आर्टिकल लिखना, और मैं बताऊँ आर्टिकल रैंक करेगा ही करेगा, और भी लिंकिंग बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।